नर तू काहे पे कर रोग मान बेटे बेमल और कोई ना है अमरो भये दुनिया जय और विजय बोले वहीं खड़े रहना होश में रहना जरा अंदर आने की जरूरत नहीं है आदेश नहीं है अंदर तो वो लोग जाएंगे जिन्हें हम बुलाएंगे सुन लेना संत बहुत भोले भाले होते हैं हमारे बहुत खड़े रह गए नर तू मत करे गर्भ गुमान कोई ना अमर भये दुनिया में सबका उदाहरण दे सुन लेना हम तुम कुछ नहीं है कुछ लोग मैंने देखा है जागे सुर जी अगर दो चार तोले की लर बनवा ले सोने की ना तो छाती के बटन खोल देते हैं ना कॉलर सतर कर लेते हैं ना प्रेस करवाए के हैं लर दिखे ना और दिखे ही नहीं तो फिर मतलब की काय की रही नहीं याद कर लेना सोने की लंका थी रावण हम तुम्हारे यहां तो है एक अंगूठी न हुई सोने की एक खम्मा भी नहीं होगा बड़े बड़े पैसे वालों की बात कह रहा हूं तुम्हारी तो औकात क्या कितनी बड़ी लंका का विस्तार होगा कितना सोना होगा आइए उसी का उदाहरण देते बहु रावण सो अभिमानी ते बन पे भराय लो पानी बहु रावण काल पार्टी ते बांध लो बहन मरेंगे ना जब काली बदो है तो मरेंगे कैसे ओरे बाको जार रहे पवन द्वार देवता झाड़ू लगाए हुए आते हैं बहन कर रहे हो बाको जार रहे पवन द्वार बेउनाए अमरो भव दुनिया में जार रहे पवन द्वार अमर भव दुनिया मनीष जार रहे पवन द्वार देवी चले गए चार अरमान दूर रह गए बताएंगे कौन कौन से रह गए थे जरूर उसके बाद बहु दुर्योधन अभिमानी कितना अहंकारी था सबने समझाया लेकिन मानी तो ना विदुर ने एक बात बताई अब दुर्योधन पैदा हुआ तब धृतराष्ट्र को जो अंधे थे ना जन्म से एक बात कही है दुर्योधन तुम्हारे घर में ऐसा बेटा पैदा हुआ है एक दिन कुल का नाश कर देगा इसीलिए जाए बचपन पे समुद्र में डाल दे
अकेलो ही मरे हो ना काऊ दिनों पूरे कुनबा को ले जाए होने जे काऊ को लला अच्छा हो चाहे बुरा हो चौ का लला को कोई फेंक दे हो धृतराष्ट्र मोह में जिकड़े हुए थे बात नहीं मानी विदुर की। विदुर एक महात्मा थे ना, दासी के पुत्र थे ना, है मेरे भैया बाई की क्या दशा। बाओ दिरियो धन अभिमानी बाई अन से ठानी रारी बाओ दिरियो कहता था मेरे सामने दुनिया में है कौन। एक दिन बाय की वो दशा हो गई तो उसे तालाब में घुसना पड़ा था, दुबकने के लिए जगह ना मिली। बात तालाब में काई अती डुबकी लगा तो डर के मार भीम कह रहा है बाहर निकल गया अपनी गदाओं से तेरी टांगों को तोड़ूंगा। तू ही तो कह रहा था दूसरा संशय के द्रौपदी को नगन करके टांग से बैठा बेटा तेरी टांग ही नहीं रहेगी। गांधारी ने पट्टी खोली सारा शरीर कथा सुनी होगी पत्थर का हो गया था इसका। लेकिन कन्हैया ने चाल चली तो जा रहा था पागल कहां जा रहा है नंगा। दुर्योधन बोला क्या करे माँ के पास जा रहा हूं माँ के लिए बेटा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो बेटा तो बेटा होता है। लेकिन वो भगवान की चाल थी तो भगवान से बोला तो क्या करे कपड़ा तो है ना नंगे अवस्था में खड़े हैं। कन्हैया बोले कोई बात ना ये केला के पत्ता लगाए ले टांग इनका भैया केला के पत्ता लगवाए दे जागे सब। ऐ गांधारी के पास में पहुंचा गांधारी की आंखें बदी हुई थी। जैसे ही गांधारी ने राम जी भैया वो पट्टी खोली नजर पड़ी सारा शक्ति थी ना शरीर पत्थर का हो गया। गांधारी ने देखा खोपड़ी में हाथ मारो बेटा सारी जिंदगी की तपस्या आज धूल हो गई अब तुझे कोई बचाने टांग टूटे यही तो कच्चो बहुत ताकत वाला था ए, उसके अरमान अधूरे रह गए। बाओ दुर्योधन बलधारी बाईयन से कीनी रारी बाओ दुर्यो कोई नहीं अमरो भाओ दुनिया में ओरे जिनकी करतब घेरू छान भैया अमर नाए दुनिया में तो सदा में रहेंगे क्या पता नहीं कितने कितने लोग चले गए हम भी और आप भी रवाना हो जाएंगे शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। ऐ वतन पर मरने वाले का बाकी यही निशान होगा जाने आने के बाद पता नहीं कौन लोग आएंगे कैसा मेला लगेगा क्या होगा जब तक है तभी तक तो है ना बाद में नए नए लोग आएंगे आते जाते रहेंगे बाबा मर गए बाबा के बाबा मर गए उन्हों के बाबा मर गए
ऐसे ही बाबा बाबा बने के बाबा बाबा हो जाई चौ जागे सुन लेना मंत्री जी तो ए सदा जाना रहना मान ले महानंद का कहना जाइए हाथ पसार भैया जाइए हाथ पसार ना कोई अमर रहे दुनिया में बेटा जाइए हाथ पसार ना कोई अमर कोई ना हमर भये दुनिया हे भैया खड़ी रहे पखेरी जान कोई ना कोई ना कोई ना सब चले गए। आइए दो मिनट में समय पूरा होने वाला है। तीन जन्म का श्राप क्यों लगा, महात्माओं का अपमान किया है, दूर हटिए गेट से बाहर, तुम जैसे लोग नहीं आते यहां पर, ये हमारे भगवान का दरबार है। महात्मा कहने लगे हम जैसे तुम्हारी औकात क्या है जो तुम हमें और आप रोक सके। उसी वक्त महात्माओं ने श्राप दे दिया, नीच लफंगा हो अहंकारी, देख लेना अहंकारियों की ये दशा होती है। एक जन्म नहीं तुमने हमारा अपमान किया है,